अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं लकी वन मॉल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं लोग कितने सुकून से सीढ़ियों पे बैठ के फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। खैर, ये एक जोक था। पहले मुझे भी लगता था कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं शायद इनको वाईफाई फ्री मिलता हो, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं। लकी वन मॉल कुछ इस तरीके से दिखता है। हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है और कोरोना वायरस की काफ़ी एहतियात की जा रही है। यहाँ पे मास्क के बगैर नहीं अलाउ। जब आप बाहर आ रहे होंगे अंदर, तो आपको मास्क बेचने वाले अंकल दिखेंगे, लेकिन अंदर किसी भी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था। और यहाँ पे टिकटॉक्स वगैरह बनाई जा रही हैं उल्टी तरफ। वीडियो और पिक्चर्स वगैरह शॉप में अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने छुपके से आप लोगों के लिए बच्चा पार्टी की वीडियो बनाई है। तो चलें बच्चा पार्टी की तरफ। सो, यहाँ पे लगा हुआ है 20% ऑफ हर चीज़ पर। आप कोई भी किस्म का हेयर बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे से बड़ा हर स्टाइल का हेयर बैंड मौजूद है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के हेयर बैंड्स हैं। आजकल तो टीनएजर्स हो गए, यंग हो गए, आजकल तो फैशन चला हुआ हेयर बैंड्स का। तो यहाँ पर हर साइज़ की गर्ल के लिए जो है हेयर बैंड्स मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं पार्टी वेयर भी हैं यहाँ पर, कैजुअल भी हैं, स्कूल गोइंग के लिए भी हैं। तो लेकिन इनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे आए हुए थे। मोस्टली अगर पेरेंट्स थे तो बच्चों को लेके आए थे शॉपिंग कराने के लिए। यहाँ पे आपको छोटे से बड़े बच्चा यानी कि 6-7 साल के बच्चे तक की चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। हर किस्म की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी और हर किस्म के हेयर बैंड्स यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अब आगे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ वीडियो अलाउ नहीं थी तो छुपके छुपके जो बनाया। यहाँ पर हर किस्म के ट्राउज़र्स अवेलेबल थे। 9 से 10 साल की बच्ची आराम से वेयर कर सकती है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कॉटन में बना हुआ है, स्टिच हुआ हुआ, आपको 799 में मिलेगा। इसके बाद जो ये ब्लैक वाला है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके नीचे जो लेस लगी है सेम ऐसा एक ट्राउज़र मेरे पास भी है। इसके अलावा ये स्किन कलर में है और इसका जो साइड का बॉर्डर है वो ब्लैक और ब्राउन करके मिक्स करके बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा था। और इनकी जो प्राइस थी 799 से लेकर 850 तक की थी। और ये जो स्टफ़ था वो काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद फैंसी वेयर्स भी यहाँ पे थे। आप देख सकते हैं इस तरह के सितारे मोती वाले, जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे फैंसी पहने, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन प्राइजेस काफ़ी हाई थी। यहाँ बच्चा पार्टी में फैंसी सूट्स भी अवेलेबल हैं गर्ल्स के। ये 3 पीसेस में हैं और ये जो है लाइट कॉटन सा जो स्टफ़ होता है उस पर बना है, लेकिन काफ़ी अनप्रोफेशनल स्टिच किया गया है। जैसे कि सिलाइयाँ निकल रही हैं, कहीं से आस्तीन सही से नहीं मुड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें नोट करके ही आप इतना इन्वेस्ट करेंगे। तकरीबन इनकी प्राइजेस थी 2200-3000 और इस तरह की प्राइजेज में ये अवेलेबल थे। तो सोच समझ के ये आप लोगों ने लेना है, क्योंकि इतना आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो चीज़ आपने अच्छी लेनी है ना। इसके बाद यहाँ पे हर किस्म के शूज़ भी अवेलेबल हैं, जिसमें थी 20% ऑफ। आप देख सकते हैं हर कलर का शूज़ आपको मिलेगा, हर नाप का शूज़ आपको मिलेगा। इसके अलावा ये पिंक वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अलावा इस फैंसी सूट की बात करेंगे, ये जो है थोड़ा सा रेशमी टाइप का स्टफ़ जो होता है पार्टी वेयर, उसमें आप पहन सकते हैं। इसकी प्राइस जो थी आप देख सकते हैं 3500 रुपये का ये सूट है। इतनी कोई ख़ास बात थी नहीं इसमें। इसके अलावा ये अंगरखा टाइप का बना है नेट पर और इसकी भी कीमत थी 2800 रुपये। तो इस रेंज में आप घर में ही कुछ अच्छा सी सकते हैं और काफ़ी जो है जान छुड़ाने वाली सिलाई हुई हुई है। इसके बाद जो है यहाँ पर बेबी के कुछ ड्रेसेस हैं और बेबी के ड्रेसेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहने हुए ड्रेसेस हो, मतलब फिनिशिंग और फ्रेश नहीं लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर ट्राउज़र्स मौजूद हैं, स्ट्रेचेबल ट्राउज़र हैं। इनकी कीमत आप देख सकते हैं 499 रुपये का ये ट्राउज़र है। तो काफ़ी महंगे लग रहे थे मुझे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर सर्दियों के भी स्टफ़ मिल सकता है, बच्चों के कपड़े वगैरह जो हो बोर्न बेबी होते हैं उनके, तो यहाँ पर अवेलेबल है तमाम चीज़ें। यहाँ पर मौजूद है घर पर पहनाने के लिए बच्चों के लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप ये लीलन की कुर्ती देख सकते हैं जिसकी कीमत है 850। यही आप 200 से 300 रुपये में कोई कपड़ा ख़रीदें और बच्चों के लिए शलवार कमीज़ पूरा सूट 300 रुपये में तैयार। इसके बाद ये शर्ट है, इसकी कीमत है 1199, बहुत एक्सपेंसिव।
यहाँ पर जितने भी कपड़े अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, कोई फ़ाइन क्वालिटी के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी जो प्राइजेस थी वो काफ़ी हाई थी। यही चीज़ आप आम मार्केट से ख़रीदें तो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, सेम यही चीज़ होगी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चियों के, बाबा, बेबी, हर किस्म के सूट अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइजेज़ अब आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी जिस तरह से ये शर्ट जो थी मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी कि मामू की जान, बहुत प्यारा लगा ये मुझे। अच्छा जी, एक बात है, यहाँ पे आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इतनी फ़ाइन क्वालिटी या की है नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। हर तरह के टिफ़िन मौजूद हैं, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, क्लिनिक्स के लिए, ऑफिस गोइंग के लिए। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं फ्रिज के पॉट्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा न्यूली बॉर्न बेबी की ये आप देख सकते हैं रॉम्पर वगैरह जो कहते हैं इसको, पता नहीं। बच्चा पार्टी की ख़ास बात ये होती है कि आपको पहनने ओढ़ने से लेकर खेलने कूदने तक का तमाम सामान यहाँ मौजूद होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्वालिटी भी नॉर्मल है, कोई इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे। अच्छा जी, ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़बरदस्त था, क्योंकि यहाँ पे आपका और मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू वाला तमाम सामान मौजूद था। आप देख सकते हैं छोटे से बड़े हर चीज़ यहाँ पे बर्थडे की मौजूद थी, और न्यू जो वैरायटी होती है वही थी, ओल्ड वैरायटी नहीं थी। यहाँ पे प्यारे प्यारे ग्लासेस थे, इसके अलावा बैलून्स में भरने वाले जो होते हैं स्पार्कल्स वगैरह जिसे कहते हैं वो मौजूद थे। बहुत प्यारा लग रहा था और जो है रिजनेबल प्राइस में था, जो आप ख़रीद सकते। बच्चा पार्टी के अंदर आप आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी, लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को यहाँ का विज़िट कराया, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से बच्चा पार्टी में चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ये वाला पार्टी वेयर देख लें, कितना अजीब सा लग रहा है, शायद हमें बचपन में नहीं पहनाया तभी लग रहा है, या शायद ये है ही अजीब। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप अपने बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाते हैं? हमने तो नहीं पहने आज तक। ये तो आप सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, आपको शॉपिंग करनी है, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट किया करें, अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करें, बस यही कहूँगी। हमारा जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मॉल्स वगैरह में पिक्चर्स और वीडियोस अलाउ नहीं होती, लेकिन जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बच्चा पार्टी के बारे में कि कितना एक्सपेंसिव है। बाकी आप सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ख़रीद लें, लेकिन चीज़ ख़रीद लें तो अच्छी ख़रीदें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।